सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर, वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नुपुर। तो फ्रेंड्स, हम फिर से लेके हाजिर है एक बार फिर करेंसी व्लॉग लेके। लेकिन हम करेंसी व्लॉग के तो ऑलरेडी दो एपिसोड्स हम डाल ही चुके हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है, जिसमें अब आपको हम कुछ इंडियन रुपीस दिखाएंगे, नोट दिखाएंगे, और कुछ स्पेशल नोट भी हैं इस ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, और जिनके पास ये संग्रह जो है आपको उनसे भी मिलवाएंगे इस ब्लॉग में। तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी आपको हम 1 रुपए की पूरी सीरीज दिखा रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। तो इसे देख सकते हैं, सबसे ऊपर आप जो नोट देख रहे हैं, ये जो है ये 1 रुपए का बहुत पुराना नोट है, और ये जो है ये बुकरम के ऊपर बना हुआ, जैसे कि भी आप देख रहे हैं। हम आपको पलट के भी दिखा रहे हैं, इसमें जो है गांधी जी की देखिए एक की खड़ी हुई तस्वीर है, और उसमें गांधी जी के 3 जो है बंदर भी दिखाए गए हैं। अभी आपको हम दूसरा 1 रुपए का नोट दिखा रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। वैसे तो गांधी जी की एक अलग से तस्वीर होती है, लेकिन इसमें कुछ एक कॉइन टाइप का ये बना हुआ, इसके ऊपर गांधी जी की तस्वीर है, जैसे कि भी आप देख रहे हैं। और चलिए आपको दूसरा नोट लेके दिखाते हैं। इसमें देखिए, इसमें गांधी जी की तस्वीर नहीं है, इसमें ये अशोक की लाट बनी हुई है, और फिर ये वाला है सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला था, और एक वाला है एक का नोट। तो अभी आपको हम 2 रुपए की सीरीज दिखा रहे हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो 2 रुपए का नोट है, ये चरखा जयंती पर खादी हुंडी वाला ये नोट जो है जारी किया गया था, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। और देख सकते हैं, हुंडी के बदले में प्रमाणित प्रसारक संस्था द्वारा खादी मिलेगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और इसमें देख सकते हैं, पलट के आपको दिखा रहे हैं, बैक साइड दिखा रहे हैं, इसमें गांधी जी की कहीं भी तस्वीर नहीं है, आप जैसे कि देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे दे रखी तस्वीर, यहाँ पे किसान जो है कुछ कर रहा है। तो ये बहुत पुराना नोट है, किसने ऐसा नोट देखा है तो प्लीज़ कमेंट से जोर से बताइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं ये वाली। इसमें भी गांधी जी की तस्वीर नहीं है, इसमें सिर्फ अशोक की लाट बनी हुई है। और एक और है, इसमें भी गांधी जी की तस्वीर नहीं है, इसमें भी अशोक की लाट है, जैसे देख सकते हैं। ये भी सेम वैसे ही है, और एक ये है। तो किससे ऐसे नोट देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट से जरूर से बताइएगा। और इन सब में कहीं पर भी गांधी जी की तस्वीर नहीं है, जो कि अब हर नोट में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब 2 रुपए के बाद हम बढ़ते हैं 5 रुपए की ओर। तो अभी आप जो 5 रुपए का नोट देख रहे हैं, ये भी काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें गांधी जी की तस्वीर दे रखी है, और इसमें गांधी जी से जुड़े हुए जो भी सामान है, जिसके खड़ाऊ हैं और चरखा वगैरह भी है, वो सब यहाँ पे है। और ये जो है ये भी बुकरम के ऊपर बना हुआ है, हम आपको पलट के भी दिखा रहे हैं, जिसके देख सकते, इसमें गांधी जी के 3 मंदिर हैं, उसमें गांधी जी देखिए खड़ी हुई ऐसे तस्वीर है उनकी, जैसे कि भी आप देख रहे हैं। गांधी जी के जो 3 मंदिर हैं, उनके यहाँ पे कोटेशन जो मैसेज जाता है, बुरा ना कहें, बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, ऐसे यहाँ पे लिखा गया है। तो ये बहुत पुराना नोट है, जैसे कि भी आप देख रहे हैं, 5 रुपए का है ये। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये वाला नोट, जैसे कि भी आप देख रहे हैं, ये नोट आप देख सकते हैं, इसमें कहीं पर भी गांधी जी की तस्वीर नहीं है। यहाँ पे कोई मुगल एम्परर है, उनका नाम यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन उनकी तस्वीर है यहाँ पे, तो काट देना स्प्लिट करके। तो फ्रेंड्स, अब ये नोट के बाद हम आपको दूसरा नोट दिखा रहे हैं 5 रुपए का। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इस 5 के नोट में गांधी जी की कहीं भी तस्वीर नहीं है, उसमें कोई एम्परर है उनकी तस्वीर दे रखी है। हम आपको पीछे भी दिखा रहे हैं, पलट के देख सकते हैं। तो एक ये बहुत पुराना नोट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक ये रहा 5 रुपए का नोट, इसमें भी गांधी जी की कहीं भी तस्वीर नहीं, इसमें भी देखिए अशोक की लाट, और इसमें नैवेद्य दे रखी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक ये है 5 रुपए का नोट, किसने कैसे ये नोट देखे हैं तो प्लीज कमेंट से जरूर से बताइएगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, इसमें कुछ हिरन जो है उनकी तस्वीर यहाँ पे दे रखी है, पर गांधी जी की तस्वीर नहीं है। और इसमें ये नोट तो शायद से आप लोगों ने देखा ही होगा।
और ये तो लेटेस्ट है, ये तो अभी भी चल ही रहा है। तो जैसे कि अभी आपने 5 रुपए के नोट की पूरी सीरीज देखी, पूरी यात्रा देखी, अब आपको हम 10 रुपए की पूरी जो है यात्रा दिखा रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक। तो जैसे कि देख सकते ये 10 रुपए का जो नोट है एक बेहद पुराना है और इसमें कोई ब्रिटिश एम्परर की यहाँ पे तस्वीर दे रखी है। और ये देख सकते हैं एक ये दूसरा नोट है 10 रुपए का, इसमें भी ब्रिटिश एम्परर की तस्वीर दे रखी है। और आप लोग अगर इन लोगों को पहचानते हैं, कि तस्वीर को पहचानते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट से ज़रूर से बताइएगा कि किसकी तस्वीरें हैं जिसमें छपी हुई हैं। तो अभी आपको हम ये दोनों नोट पलट के दिखा रहे हैं कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पे नाव बनी हुई है और इसमें देख सकते हैं इसमें भी कोई तस्वीर बनी हुई है। तो ये दोनों बहुत पुराने प्राचीन नोट। अब आप देख सकते हैं एक ये 10 रुपए का नोट है, यहाँ को हम पलट के दिखा रहे हैं, इसमें भी नाव बनी हुई है। जो नोट दिखा रहे हैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली, इसमें आप देख सकते हो लैंग्वेज लिखी हुई है, जो भाषाएं हैं वो सिर्फ 7 भाषाएं लिखी गई हैं, लेकिन जो अभी आजकल के नोट चल रहे हैं उसमें 15 भाषाएं लिखी गई हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं लेटेस्ट नोट है मेरे पास, इसमें आप काउंट भी कर सकते हो 15 भाषाएं लिखी है, लेकिन इस नोट में सिर्फ 7 भाषाएं हैं। तो ये उसके बाद देखिए ये सारे नोट चले हुए हैं, ये तो सब लेटेस्ट है जो अभी आप चल ही रहे हैं आजकल। तो अभी आपने 10 रुपए की देखी सीरीज, अब आपको 20 रुपए का हम सीरीज दिखा रहे हैं। ये 20 रुपए का एक पुराना नोट है, आप देख सकते हैं इसे पार्लियामेंट बना हुआ है, लेकिन इसमें भी गांधी जी की तस्वीर नहीं है, इसमें अशोक की लाट बनी हुई है। और ये एक 20 रुपए का नोट है और एक ये रहा, यहाँ से गांधी जी की तस्वीर आ चुकी है जैसे कि देख रहे हैं। और ये तो लेटेस्ट है जो अभी आजकल चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम 50 रुपए की ओर, और अभी आपको 50 रुपए की पूरी सीरीज दिखा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये पुराना नोट है और एक ये तो लेटेस्ट ही चल ही रहा है, और ये तो अल्ट्रा लेटेस्ट कह सकते हैं, तो अभी आप देख ही रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको एक और खासियत दिखा दी, जो आपने अभी स्टार्टिंग का नोट देखा ये वाला, जब इसको जारी किया गया था इसको, और इसके जारी होने के कुछ दिनों बाद ही इसको RBI ने मतलब सरकार ने बंद कर दिया गया था, वो इसलिए क्योंकि इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, वो आपको अभी हम दिखाते हैं वो मिस्टेक क्या है। अभी आपको मैं इसका बैक साइड दिखा रहे हैं, आप ये पार्लियामेंट जैसे कि देख रहे हैं, इसमें आप जो ऊपर डंडा देख रहे हैं इसमें ये खाली है, वैसे तो झंडा लगा रहता है लेकिन इसमें सिर्फ डंडा है, झंडा नहीं है। इस वजह से इस नोट को बहुत जल्दी बंद कर दिया गया था, ये मार्केट में ज़्यादा नहीं चल पाए थे, इसलिए ये नोट काफ़ी स्पेशल है, इसलिए आपको ये दिखा रहे हैं। तो किसने ऐसा ये नोट देखा या किसके पास है, तो प्लीज़ कमेंट से ज़रूर से बताइएगा। आपको ऐसे नोट मिल तो जाएंगे पर ये वाला स्पेशल नोट शायद से देखने को मिले। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम 100 रुपीज़ यानी 100 रुपए के नोट की ओर। जैसे कि भी आप देख रहे हैं ये 100 रुपए का नोट काफ़ी पुराना है, काफ़ी बड़ा साइज में भी है जैसे कि देख रहे हैं, और इसमें गांधी जी की तस्वीर नहीं, इसमें अशोक की लाइट बनी हुई है। और चलिए पलट के आपको दिखाते हैं, ये आपको बैक साइड दिखा रहे हैं, इसमें भाखड़ा नागल डैम की यहाँ पे तस्वीर दे रखी है, ये काफ़ी पुराना नोट है। और चलिए आपको अब दूसरा नोट दिखाते हैं, एक आपको ये नोट दिख रहा होगा 100 रुपए का, ये भी काफ़ी पुराना है। और ये वाला नोट तो आप लोग जानते हैं कि चल ही रहा है अभी आजकल, और ये तो लेटेस्ट है। तो देख सकते हैं आप एक फर्क देख सकते हैं, स्टार्टिंग में कितना बड़ा नोट था, उसके बाद ये छोटा छोटा साइज में होता चला गया। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये है 200 रुपए का नया नोट, और आप तो काफी अच्छे से परिचित ही होंगे इस नए नोट से, हम आपको बैक साइड भी दिखा रहे हैं नोट की। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं हम आपको ये 500 रुपए का एक नोट दिखा रहे हैं, तो ये तो अब नोट बंद हो जा चुका है, ये पहले चला करता था, अब तो सिर्फ इसकी यादें रह गई हैं, और ये तो लेटेस्ट है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। और फ्रेंड्स एक और चीज़ अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये 1000 रुपए का नोट, ये भी अब बंद हो जा चुका है, सिर्फ इन दोनों नोटों की सिर्फ अब यादें ही रह गई हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 500-1000 के नोट के बाद अब आता है 2000 का नोट, जैसे कि भी आप देख रहे हैं। और देखिए बैक साइड पे
मंगलयान बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने देखा मेरे ब्लॉग में कि हमने आपको अभी कुछ पुराने नोट दिखाए हमारे भारतीय मुद्रा के, तो अभी आपने जो पूरा खजाना देखा, इसके जो संग्रहकर्ता हैं हमारे शेर शाहजहांपुर के जमीर अहमद जी, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं ये जो आपने नोट देखे इसके बारे में और उनकी कुछ निजी जिंदगी के बारे में। तो जमीर भाई, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जी। आपका ये जो दुर्लभ खजाना कह सकते हैं इसको, ये आपको संग्रह है, इसका शौक कब से लगा? शुक्रिया इस चैनल में आने का, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बुलाया। ये संग्रह जो है लगभग 30 साल से ये संग्रह शुरू हो गया, जब भाई हमारे सऊदी अरब गए थे, वहाँ से जो डाक टिकट आते थे वहाँ से फिर हमने नोट मंगाना चालू कर दिए। वहीं से फिर जो है जब मेरे पास नोट इकट्ठा होने लगे, तो उसके बाद फिर पेपर में जब निकला तो लोगों ने हमें ला के सब नोट देने लगे, तो इसी तरह हमारा संग्रह जो था वो बढ़ता चला गया। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको ये संग्रह इकट्ठा करते हुए लगभग 30 साल तो हो ही चुके होंगे, तो हम आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो शिक्षा है वो कहाँ तक हुई है और अभी आप क्या काम कर रहे हैं? शिक्षा हमारी जो है वो 5वें तलक हो पाई थी, क्योंकि बहन भाई ज़्यादा थे इस वजह से इसके ऊपर नहीं हो पाई, उस समय हालात ऐसे थे। लेकिन अब हमारा बाल कटिंग सैलून है, सैलून का ही काम करते हैं हम 30 साल से। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि जमीर भाई की शिक्षा है वो सिर्फ 5वें तक हुई है, लेकिन इनका जो शौक है वो काफ़ी नायाब है और जो हमें और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक प्रेरणा देता है। और फ्रेंड, जैसे कि अभी ये करेंसी का पार्ट चल रहा है, तो हमने आपको करेंसी का जो व्लॉग पार्ट 1 दिखाया था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसमें हमने आपको मुगलकालीन सिक्के दिखाए थे, और करेंसी का जो पार्ट 2 मैंने डाला था तो वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसमें हमने आपको 1 रुपये से 10 रुपये तक का पूरा सफ़र दिखाया था। तो जमीर भाई, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया और आपसे जाना ये दुर्लभ खजाना जो आपने संग्रह जो आपने इकट्ठा कर रखा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कभी इन संग्रह की प्रदर्शनी लगाई कहीं? हाँ, प्रदर्शनी लगाई है हमने इसकी 2006 में पुलिस लाइन में, जिसमें SSP थे यहाँ पर देव कुमार अंथोनी साहब से परमिशन लेके 2006 में हमने लगाई थी। फिर उसके बाद 2006 में गन्ना शोध परिषद में लगाई थी, वहाँ पे SB सिंह थे डायरेक्टर साहब, उन्हीं ने भी हमें अपना बधाई पत्र दिया था। हमारे संग्रह को जानकर हमारे पास लगभग 12 बधाई पत्र आ चुके हैं अब तक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर साहब और शाहजहांपुर के जितने भी लोग हैं सबने दिए हमको। तो जमीर भाई, जैसे कि आपके पास ये करेंसी का एक दुर्लभ संग्रह आपके पास है, तो कभी आपकी यह इच्छा नहीं हुई कि आपको आपका भी नाम जो है वो वर्ल्ड की गिनीज बुक में भी दर्ज होना चाहिए? जी, हम सोचते तो हैं कि हमारा नाम जो है गिनीज बुक, ब्रिटानिया बुक, लिम्का बुक, किसी बुक में हमारा नाम आ जाए, जिससे हमारे शाहजहांपुर का जो है वो गौरव बढ़ेगा। जी, तो जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि अपने शहर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और इतना दुर्लभ संग्रह इकट्ठा कर रखा है, तो हम यही चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस व्लॉग को शेयर करिए और अपने परिवारजनों का, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारे शहर शाहजहांपुर का नाम दूर तक जाए। तो जमीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम यही कहना चाहेंगे कि आपके संग्रह जो है ये बहुत लोग देखें और आपकी जो इच्छाएँ हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों। जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका, और इसलिए आपने हमको इतना टाइम दिया और ये सब बताने के लिए, दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स, मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पर भी एंड करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।